किसी ने पूछा था सब खत्म हो जाएगा, व्हाट विल आयुष्मान खुराना डू देन। यार हमारा देश ही ऐसा ऐसा यूनिक है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। रेडियो सिटी 91.1 पर, मारू नाम है करण। और जब मैं सोचा इनसे मिलना है तो मैं एक थोड़ा शायरी टाइप प्रिपेयर करके आई हूँ कि आयुष्मान खुराना नेवर ब्रिंग्स एनीथिंग पुराना, ऑलवेज ब्रिंग्स एवरीथिंग फ्रेश ऑन स्क्रीन। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ट्राई किया राइम करने को, राइम नहीं हुआ हाँ, पर लेकिन थॉट अच्छा था आपका। बट या ब्रो, यू नेवर ब्रिंग एनीथिंग पुराना, मतलब आयुष्मान खुराना जब भी आता है आपके इंस्टाग्राम के कॉमेंट से लेकर यूट्यूब के जब ट्रेलर के कॉमेंट्स, सबका यही आयुष्मान आना है, आयुष्मान आया, कुछ नया कुछ नया कुछ नया। How does that feel? ये पढ़ के कितना मजा आ जाता है? यार बहुत मजा आ जाता है। YouTube के unanimous comments बहुत ही positive हैं। ये देखकर बहुत मजा आया। मतलब आजकल like dislike का ratio नजर नहीं आता है। पर back end में बताया गया almost 98% likes मिले इस trailer को, which is great। Wow। यार ऐसा कभी normally नहीं होता है। और very overwhelming यार, भी कोशिश यही रहती है कि कुछ नया किया जाए हमेशा जब भी फिल्में की जाए। So it's very gratifying। तो आपको नरेशन कैसे मिलती है, मैं जानना चाहता हूँ, विद दिस इज वेल और बाकी सारे, क्या हुक लाइन में आपको पकड़ लेता है? यार हुक लाइन से सब पकड़ लेते हैं, बात है कि 2 घंटे वो हुक लाइन लास्ट करती है कि नहीं करती। अच्छा, ये क्योंकि अगर आप संक्षेप में किसी भी कहानी को बताते हैं तो वो अच्छी ही लगती है, लेकिन वो 2 घंटे तक आपको बांध कर रखती है कि नहीं रखती है, वही एक रियल टेस्ट होता है। एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्क्रिप्ट्स। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और मुझे सुनकर बहुत मजा आता है। बट क्या बोला गया था, व्हाट वाज द लाइन जब आप सोल्ड हो गए इसमें कि हाँ ये करना है मेरे को? यार वो लाइन से सोल्ड नहीं होता, मैं नहीं होता हूँ, मैं हमेशा पूरी कहानी का पढ़ूंगा या सुनूंगा तभी मेरा मन करता है करने का, क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ, लाइन पे कोई भी सेल कर सकता है आपको। एक इंटरेस्टिंग ट्वीट आया था जब आपने ट्रेलर शेयर किया था, किसी ने पूछा था सब खत्म हो जाएगा, व्हाट विल आयुष्मान खुराना डू देन। यार हमारा देश ही ऐसा ऐसा यूनिक है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, और जब तक प्रॉब्लम जिंदा है तब तक इश्यूज जिंदा है, तब तक हमारी फिल्में जिंदा है, क्योंकि उस पर ही कहानियां बनती हैं, वहीं से कॉमेडी निकलती है। वुडी एलन की एक फेमस लाइन है कि कॉमेडी इज ट्रेजेडी प्लस टाइम। तो किसी को भी हम रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं, किसी को भूतकाल में देखते हैं, कोई हादसे को, तो वो फनी नजर आता है अचानक से। तो वही है हमारी, मेरी कोशिश रहती है कि मुद्दों के ऊपर, हाँ मैंने सारे मुद्दे खत्म कर दिए वैसे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये एक मुद्दा है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि औरतें ज्यादातर फीमेल डॉक्टर पसंद करती हैं। ट्रू। इस फिल्म में यही बोला गया है, मतलब बनने गया था औरतों का डॉक्टर, बन गया औरतों का डॉक्टर। तो ये हुआ है इस फिल्म में मेरे साथ। So, आपका अभी इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहा था, आज डॉक्टर बनके आपको खुशी मिली। मैं एक्चुअली सर्च करने वाला था, मैं वाला करूंगा नहीं, आपसे पूछ लेता हूँ। डॉक्टरेट आपको देते हैं ना सब फिल्म स्टार्स को, मैंने देखा है दिया हुआ है। आई एम श्योर आपको भी आई थिंक दे देंगे आने वाले 15-20 साल में, मिल जाएगा डॉक्टरेट मुझे। बट व्हाट वाज सो फैसिनेटिंग, आई थिंक हम सबके बचपन में कहीं ना कहीं था कि दो ही चीजें घर वालों ने बोला था, एक तो डॉक्टर बनना है, एक तो इंजीनियर बनना है, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। हाँ मेरे तो ऑफकोर्स मेरा प्लान भी था डॉक्टर बनने का, ऑलमोस्ट डेंटिस्ट बन गया था, मतलब एडमिशन ले लिया था। मतलब क्या क्या कर रहे थे आयुष्मान का, डेंटिस्ट, आरजे, वीजे, एक्टर, माँ कसम। यार पर देखो, जो मेरे मामा हैं वो डॉक्टर हैं, मामी डॉक्टर हैं, उनके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, तो एटलीस्ट बहुत खुश हो गए कहीं तो डॉक्टर बना ये फिल्मों में ही सही। तो वो सबसे ज्यादा खुश है, ट्रिगर तो दांत के कीड़े नहीं देखने थे लोग इसके लिए, क्या व्हाई डिड यू नॉट डू इट? यार मुझे लगा मैं एक्टिंग ज्यादा अच्छी कर सकता हूँ डेंटिस्ट्री से, इसलिए मैंने सोचा। तो कब छोड़ा आपने फिर डेंटिस्ट्री? ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, ज्वाइन ही नहीं किया। हो गई थी ज्वाइन नहीं किया, फिर आर्ट्स लेकर थिएटर किया। ओके ओके। 10 years I think आयुष्मान खुराना, क्योंकि 2012-11 विकी डोनर 12 10 years, एक दशक पूरा कर दिया, स्पेशली द लास्ट 5 years फिनोमिन रहे आपके। कुछ दिन पहले 5 years of शुभ मंगल सावधान थे। सो लास्ट 10 years एंड लास्ट 5 years क्या देखा है आपने? हाउ डू यू फील फर्स्ट ऑफ ऑल? डिड यू सोचा था जब आए थे कि 10 साल में टिक जाऊंगा एंड पीपल विल लव मी सो मच? यस, सोचा तो था, पर मैं इतना सोचता भी नहीं हूँ। आई थिंक इट्स वन फिल्म एट अ टाइम। ओके। ये नहीं सोचा कि अगले आने वाले 10 साल में क्या होगा, अभी मुझे नहीं पता अगले साल क्या होगा। सो एक फिल्म है, यस, ईमानदारी से करनी है, कहानी चुननी है और लोगों तक पहुंच जाए, वही मेरी कोशिश होती है। सो वन डे एट, इनफैक्ट वन डे एट अ टाइम, नॉट इवन वन फिल्म एट अ टाइम, कि आज का दिन अच्छा जाए, जो मैं आपसे मतलब वहां रहूं मैं आपके साथ। जैसे अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके साथ रहना जरूरी है, उस मोमेंट में रहना जरूरी है, तो वही मेरी कोशिश रहती है। यू टॉक अबाउट चेंज, मैं आपका इंस्टाग्राम बायो बहुत ध्यान से पढ़ा, आई थिंक बहुत टाइम से चेंज नहीं किया, IDK मैन ऐसा कुछ लिखा है।
what does it mean? It means I don't know, man. But क्यों कैसी? पहले था eyebrows are bushy. अच्छा. वो पहले था. अब I don't know, man. मुझे नहीं पता क्या bio होनी चाहिए. अच्छा. But अभी भी आते हैं आपके eyebrows में के लिए comment कि नहीं नहीं अब नहीं आते. Starting में आते जब मैं audition देने जाता था 12 साल पहले तब बोलते थे यार तुम्हारे eyebrows बहुत ज़्यादा तुम actor कैसे बनोगे. मैंने कहा उससे acting थोड़ी करनी है मैंने acting मुझे करनी But this is so अच्छी बात अब नहीं आ रहा. I think people are loving your eyebrows. एक तरह से vengeance था मेरा revenge था. Eyebrows are bushy. जिसने मुझे बोला था उसे याद होगा तो वो बोल रहा हूँ हाँ ठीक है यार. लेकिन अभी बहुत डिस्कशन चल रहा है अबाउट प्राइसिंग फॉर द टिकट्स. नेशनल सिनेमा डे गया 75 फुल हाउस था. उसके बाद नवरात्रि का जो वीक था 100-110 रखा था तब फुल हाउस जा रहा है. विक्रम वेदा थोड़ा अप था 200-250 के बीच में था. नहीं गए इतने लोग. इवन विद एक विलन रिटर्न्स आई थिंक द प्राइसिंग वाज सो फिनोमिनल बिटवीन 150-200. मुझे याद है मैं ट्यूसडे को शो देखने गया था इवनिंग नहीं आफ्टरनून शो गया था ट्यूसडे एंड 70-80% वाज फुल. नॉट बैड. सो प्राइसिंग आई थिंक इज मेकिंग लॉट ऑफ डिफरेंस. क्या डिस्कशन चल रही है आपकी आपकी टीम में कैसे रखने वाले बिकॉज दिस हैज बीन द बिगेस्ट फैक्टर पिछले एक महीने में. यार ये तो कोशिश रह रही है कि प्राइसिंग बहुत ही नॉमिनल हो और ये बात भी चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स से एग्जीब्यूटर्स से और ये मैं और मार्केटिंग टीम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं. आई थिंक प्राइसिंग जो है वो अफोर्डेबल होगी. अच्छा या बट आई एम श्योर पीपल विल कम बैक अगेन बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुष्मान खुराना का एक जोन है. पीपल नो कि अगर आयुष्मान मतलब इतना आप पे भरोसा है लोगों का कि आयुष्मान खुराना ने अगर कोई स्क्रिप्ट चुनी है ना मतलब तोड़ी होगी ये वर्थ इट होने वाली है. समटाइम्स डू यू फील स्केयर्ड ऑफ दैट भरोसा? यार ऑफ कोर्स क्योंकि आप खुद तो स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं. आप बस उस स्क्रिप्ट का चयन करते हैं और जो आपको मिलता है उसमें से चूज करते हैं उसमें क्या बेस्ट है तो उसमें चूज करते हैं. आई नो एक बेंचमार्क्स बहुत बड़े बड़े सेट हो चुके हैं लाइफ में चाहे वो अंधाधुन हो आर्टिकल 15 हो विकी डोनर हो दम लगा के ऐशा ये जितनी भी फिल्में हैं ये बेंचमार्क सेट करके गई हैं तो उनको तोड़ना भी मुश्किल होता है. उस लेवल की फिल्म हमेशा मिलती भी नहीं है आपको. बट कोशिश यही रहती है कुछ नया दें कुछ ऐसा दें जिसमें लोग सोचने पर मजबूर हो और एंटरटेनमेंट के जरिए वो बात वहां तक पहुंचे. तो डॉक्टर जी भी एक ऐसी फिल्म है. इनफैक्ट ये तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है. अच्छा ये पहले अब रियली यू आर सेइंग फेवरेट फिल्म है मतलब फेवरेट स्क्रिप्ट है. अच्छा और क्योंकि जब फिल्म करते करते आप थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी लूज कर देते हैं कि वो स्क्रिप्ट जैसी वैसी फिल्म बनी है कि नहीं बनी ये लोग डिसाइड करेंगे. आई रिमेम्बर अब बाला के टाइम व्हेन आई मेट यू दैट टाइम आप बता रहे थे कि कितनी पिक्चरें आपकी रेडी होके बन गई थी एंड कोविड के टाइम थोड़ा स्टॉप हो गया था. डॉक्टर जी इज वन ऑफ देम. डॉक्टर जी मैंने 2.5 साल पहले साइन की थी. अच्छा तो हाँ इसमें डिले हुआ था और कोविड में डिसाइड किया था कि चलो मेरा टाइम है तो बॉडी बनाता हूं. ओह मैन क्या बनाया था यार फॉर दैट. मतलब मैं और सलील आई एम श्योर यू नो सलील वी वर तो डाइंग. मतलब क्या बना लिया आयुष्मान ने बॉडी यार. यार वो जब जाती है तो और दर्द होता है क्योंकि अब ड्रीम गर्ल 2 की शूटिंग कर रहा हूँ. मैंने 10 किलो कम कर लिया है तो उसमें तो मतलब ड्रीम गर्ल 2 में तो आपको पता ही है मुझे कभी कभी लड़की बनना पड़ता है तो जो जाती है बॉडी तो और दुख होता है इतनी मेहनत. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ पैंडेमिक मैंने 3 फिल्में शूट की हैं चंडीगढ़ गए आशिकी अनेक और फिर डॉक्टर जी. तो ये गुजारने में बहुत गुस्सा है वगैरह खुद पे कि शिट क्या इतना मेहनत से बनाया था. एक्टर की लाइफ ही ऐसी. सो व्हाट डिड यू गिव अप ऑन ईटिंग? प्रोटीन इंटेक कम किया कार्डियो बढ़ा दिया वेट ट्रेनिंग बंद कर दी वही जो रेगुलर चीजें सब करते हैं वही किया. तो ऐसा मन मन नहीं करता अभी कुछ खाने का है आपको ऐसा क्रेविंग्स है कुछ? बहुत करता है यार. तो आपकी टीम मना कर देती है? हाँ मेरी मैनेजर रोक लेती है. अच्छा। तो वहीं से निवाला छीन लेती है मेरे. अच्छा। ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना शराब पीता हूँ खाने का शौक है वो भी पूरा नहीं हो रहा क्या फायदा है जिंदगी का. आई रिमेम्बर मैनेजर की बात कर रहे ड्रीम गर्ल के टाइम जब आप स्टूडियो में आए थे तब उन्होंने बोला था आपने बोला था कि आपकी मैनेजर और पीआर इंप्रेस्ड हो गए आपके डांसिंग स्किल से. हाँ. और अभी इम्प्रेस हुए इस पिक्चर में कुछ देख के बिकॉज एक सेंसुअस नंबर जो शो पर भी चल रहा है मेरे धक धक. हाँ. थोड़ा और इम्प्रेस हुए आपसे डांसिंग स्किल से. वो एंड क्रेडिट सॉन्ग है. अच्छा. उसका पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है. ओके. वो हमारा एंड क्रेडिट सॉन्ग है. ओके. पर ये इम्प्रेस स्क्रिप्ट चॉइस से ही हुए हैं. नहीं पिछले 3-4 साल से ऐसा क्या जैसे डांसिंग से तो आपसे इंस्पायर हो गए बोले यार आयुष्मान यू डांस वेल. उनको पता नहीं था आप ऑलरेडी ट्रेन डांसर रह चुके हैं. नहीं नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं मैं ट्रेन डांसर नहीं हूँ. हाँ. और वो अभी भी इम्प्रेस नहीं हुए मेरे डांसर से. मेरे जो स्टाइलिस्ट है मेरी मैनेजर भी है वो दे थिंक आई एम अ नॉन डांसर. अच्छा. कोशिश कर लेता हूँ कुछ. मुझे लगता है मैं डांसर हूँ. मुझे सच में लगता है मैं डांसर हूँ क्योंकि सिंस बीइंग अ म्यूजिशियन एक सेंस ऑफ रिदम तो आपके अंदर होता है. इस फिल्म में आई थिंक दे आर इंप्रेस्ड बाय द चॉइस ऑफ द स्क्रिप्ट एंड द सब्जेक्ट. अच्छा अच्छा. आयुष्मान एज एन एक्टर आप थोड़ा वो लेते हैं क्या चार्ज कि आपने आज छुट्टी मैच चल रहा है मेरे को मैच दिखना है? कहां यार प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है. बोले सेट खड़ा है आपका एक एक्टर्स की डेट नहीं मिल रही है
तो यार हम इम्प्लॉय आदमी है यार, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ छुट्टी आज मैच चल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता 12 घंटे शूट करते हैं हम लोग। आई थिंक देन आई एम लिटिल प्रिविलेज दैट आई गेट टू डू दिस, बट प्लेजर मीटिंग यू एंड 14th अक्टूबर को डॉक्टर जी, जैसे आयुष्मान खुद बोल रहे हैं कि उनकी बेस्ट पिक्चर है ये, अगर आयुष्मान ने बेस्ट बोला है, जो आयुष्मान खुराना का एक जोन है जो हम सब उनको पसंद करते हैं कि भाई आयुष्मान ने अगर ये लिया है ना तो पिक्चर विल बी फिनोमिनल, एंड एज ही हैज प्रॉमिस्ड, नॉट प्रॉमिस्ड बट सेड, थोड़ा हिंट दे दिया अपने को कि टिकट प्राइसिंग will be nominal, so I'm sure people will come back, but we'll come back again on Radio City 91.1 FM. This is Ayushman Khurana and me signing off.